नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल ट्रैवल फॉर सर्च में। और अभी हैं इस वक्त हम गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पे, और गाजियाबाद से जा रहे हैं हम पटना। तो इस बार हम नए साल पे घूमेंगे बिहार, और कर रहे हैं हम अपनी ट्रेन का इंतजार। तो लीजिए, आ गई हमारी ट्रेन। तो आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जा रहे हैं श्रमजीवी एक्सप्रेस से गाजियाबाद से पटना। तो इस पूरे वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा हमारा ये सफ़र, ट्रेन कहाँ जाती है, कब रुकती है, समय पे पहुँचती है कि नहीं पहुँचती, क्योंकि इस वक्त सर्दियों में फॉग है, बहुत सी ट्रेन लेट चल रही है। फिलहाल अभी हमारी ट्रेन जो आई है बिफोर टाइम आई है, यानी कि समय से पहले आ गई है। इसका जो समय गाजियाबाद का है वो है 1:50 दोपहर के 1:50, और ये आ गई है 1:40 पे, यानी कि 10 मिनट पहले। तो चलिए पहले चलते हैं हम अपने सीट पे और सीट पे बैठते हैं। थर्ड एसी में हमने अपना टिकट बुक करवाया है। तो लीजिए भैया, एकदम सही टाइम पे हमारी ट्रेन गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से निकल गई है, यानी कि जो उसका टाइम है 1:50 का, उस पर एकदम ये निकल चुकी है। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन हमने छोड़ दिया है। बाहर अच्छी धूप है, फिर भी मौसम ठंडा है। आगे देखते हैं क्या मिलता है। तो बस गाजियाबाद को टाटा। अब बैठ गया हूँ मैं अपनी सीट पे, थोड़ा आराम से सीट पे बैठते हैं, थोड़ा बेडिंग वेडिंग देखते हैं, जो भी है रेलवे देती है बेडशीट ब्लैंकेट, आपको तो पता ही है उनकी कंडीशन क्या होती है। ये लीजिए, ट्रेन अभी चली नहीं कि इन्होंने आउटर एरिया में हमारी ट्रेन को रोक दिया। ये गाजियाबाद का आउटर एरिया है, यहाँ पर ट्रेन रोक दिया है। मुझे नहीं लगता कि ट्रेन सही समय पर हमें पटना पहुँचा पाएगी। ठीक कर दो इसकी, ठंडा कर रहा है कोच, हाँ गर्म कर दो ना, है ना। ट्रेन में एक ये बड़ी दिक्कत है, कहीं पे ज़्यादा कूलिंग होती है, हीटिंग होती है बीच में बोगी के, कहीं पे कम होती है। तो वही अटेंडेंट से मैंने टेम्परेचर ठीक करवाया, क्योंकि अंदर ठंडा हो रहा था। अभी भी मैं फिलहाल गेट पे आगे खड़ा हो गया हूँ, बाहर का व्यू देख रहा हूँ। सामने सरसों का खेत है, गेहूँ उग रहा है, और देखने में बड़ा ही सुंदर लग रहा है। पीला कारपेट लग रहा है, जैसे पीला कारपेट बिछा दिया गया हो। ये हमारे साथ हम अपने खाना लेके आए थे, पता नहीं क्या होता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जैसे ही ट्रेन में हम बैठते हैं हमें भूख लग जाती है, और ट्रेन में जो बैठ के पूरी और आलू की सब्जी खाने का जो मज़ा है उसकी तो बात ही अलग है। तो एक खाना जो है घर से बनवा के हम लोग ले आए थे, और अभी बस ट्रेन ने गाजियाबाद को छोड़ा है, आउटर एरिया में चल रही है। तो हमने अपना बॉक्स खोल लिया, पहले खाना खाते हैं, पेट पूजा करते हैं, और फिर आगे का सफ़र पूरा करते हैं। तो इसमें है आलू की सब्जी और पूरियाँ और अचार, और हमारे साथ जो हमारे सह यात्री यानी को ट्रैवलर हैं उनका नाम भी किस्मत से पंकज है। वो उत्तराखंड से आ रहे हैं, पहली बार मेरे साथ घूमने के लिए जा रहे हैं। तो इस पूरे सफ़र में मैं बीच बीच में उनको दिखाता रहूँगा। तो ये खाना हम इनको अच्छी तरह से खिला देते हैं, हम भी खा लेते हैं, खाना खा के फिर देखते हैं। ये गजरौला आ गया, गाजियाबाद से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर पड़ता है बाय रोड। तो बस ये गजरौला को हमने निकले हैं। गजरौला में वैसे इसका स्टॉपेज नहीं है, पर पता नहीं क्यों यहाँ पर रोक दी थी ट्रेन को। तो ये आ गए हम फाइनली मुरादाबाद। ट्रेन हमारी अभी तक तो राइट टाइम चल रही है, लेट नहीं है। तो मुरादाबाद जंक्शन बहुत बड़ा जंक्शन है, मेन जंक्शन है, और यहाँ पे इस ट्रेन का जो स्टॉपेज है वो तकरीबन 8 मिनट का है। मुरादाबाद में मेरा एक दोस्त भी रहता है, मैंने सोचा कि पहले उसको फ़ोन कर दूँ, बुला लूँ, बट फिर मैंने सोचा शाम को बिजी होगा तो क्या किसी को परेशान करना। तो बस ये मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के जंक्शन को हम लोग छोड़ते हुए आगे का सफ़र शुरू करते हैं। ट्रेन अभी तक हमारी राइट टाइम चल रही है, शाम हो रही है, सूरज छुपने लगा है। आजकल रेलवे ने जो अपने प्लेटफॉर्म है, स्टेशन है, उनको एकदम सफाई करके रखते हैं। आप अगर मुरादाबाद से हैं तो आप अपने रेलवे स्टेशन का फीडबैक कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या कंडीशन है। हालांकि मैं काफ़ी बार मुरादाबाद आ चुका हूँ, घूम चुका हूँ, तो मुरादाबाद मेरा पूरा बहुत अच्छी तरह से घूमा हुआ है। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर मेरा एक दोस्त रहता है। तो अभी तो हम अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही है, मौसम ठंडा होता जा रहा है, और ये आप देखिए सब पैसेंजर एकदम पैक्ड हैं, जैकेट, स्ट्रॉल, स्वेटर सब पहन के एकदम पैक्ड हो रहे हैं। चलिए सफ़र करते करते फाइनली बरेली आ गया है। ये बरेली का बाहर आउटर एरिया है, ये प्लेटफॉर्म दिखने लग गया है, मतलब आउटर एरिया तो खैर क्या। और ट्रेन ने अपनी स्पीड एकदम धीमी कर ली है। तो ये पहुँच गए हम
बरेली जंक्शन। ट्रेन अब थोड़ी सी जो है लेट हो गई है, तकरीबन आधा घंटा हमारी ट्रेन लेट हो गई है और प्लेटफॉर्म देखिए एकदम खाली है। इसका जो पहुंचने का टाइम है वो है 5:38 पर ये पहुंची है लेट, तकरीबन 6 बजे। तो ये हमारी ट्रेन बरेली जंक्शन से चल रही है, 2 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट था, अपने निर्धारित समय से आधा घंटा ये ट्रेन लेट है। और इस वक्त जनवरी का महीना 2 तारीख है, जनवरी 2, और बाहर का टेम्परेचर हो रहा है 13 डिग्री सेल्सियस। तो ये आप देख ही रहे हैं प्लेटफॉर्म एकदम खाली है, शाम के इस वक्त 6:10 हो रहे हैं और ऐसा सन्नाटा हो रहा है, ऐसा अंधेरा हो गया जैसे पता नहीं कितनी रात हो गई है। तो सर्दियों में ये रहता है, वो अंदर होगा और ट्रेन जो है अब मुझे लगता है धीरे धीरे लेट ही होती जाएगी, पता नहीं पटना ये राइट टाइम पहुँचा पाएगी कि नहीं पहुँचा पाएगी। वैसे तो पटना इसका पहुँचने का टाइम है 7:55 का, पर अब देखते हैं क्या होता है। तो ये लीजिए बरेली को भी कहते हैं तो हम टाटा बाय बाय। ये जो आप आंटी देख रहे हैं ना, ये जो लड़का चाय लेके आ रहा है ये मेरे साथ वाला सीट बैठा हुआ है। ये जो आंटी है ना, ये बेचारी पूरे सफ़र में बहुत परेशान हो रही हैं, इनको है डायबिटीज़ और इनको चाहिए फीकी चाय, और सर्दियों में चाय सबको चाहिए होती है। तो बेचारी हर स्टेशन पर रुकती हैं और चाय ट्राई करती हैं, पैंट्री से भी मंगवा ली पर चाय इनको मीठी मिल रही है, फीकी नहीं मिल रही है। तो कई बार सफ़र में ना ये बहुत दिक्कत हो जाती है, जिनको कुछ प्रॉब्लम होती है, बीमारी होती है, तो उनके लिए तो बेचारी हर स्टेशन पे रुकती हैं। मेरे ख्याल से शायद ये अकेली सफ़र कर रही हैं। तो एक बार चाय लाके इनको मैंने भी दी थी, चेक भी करके लिए आया था, तो मेरे हिसाब से तो मुझे एकदम फीकी लग रही थी, अब इनको दी तो कहने लगी कि मीठी है। बाद में जब तब मैंने इनसे पूछा तब ये मुझे बोली कि मुझे डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। ये हिंदी लाइब्रेरी, हिंदी पुस्तकालय। अब आप बताइए कि ये कौन सा जंक्शन है, कौन सा स्टेशन है, मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। ट्रेन यहाँ पे लेट पहुँची है, राइट टाइम है इसका 6:45 और जो हॉल्ट है वो 2 मिनट का है, पर ट्रेन यहाँ पे हमारी लेट पहुँची है। आप कमेंट करके बताइए स्टेशन को पहचानिए कि कौन सा स्टेशन है, वैसे अभी आपको मालूम चल जाएगा थोड़ी देर में। और ठंड की वजह से प्लेटफॉर्म में ज़्यादातर सन्नाटा है, बहुत कम भीड़ है, मतलब नॉर्मल जैसे होती है। अब हमें भी थोड़ी थोड़ी ठंड लगने लगी है और भूख भी लगने लगी है, क्योंकि सर्दियों में भूख भी लगती है, नाम देख लिया आपने। तो वापस आते हैं, ये जी हमारे नाम राशि पंकज जी, इनको अच्छी तरह से सिखा के लाए हैं कि खाने की बुराई मत करना हमारे। खाना ऑर्डर, खाना 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 क्या आते हैं? तो अच्छे आलू सब्जी और पूरी बनाई। खाना खाते खिलाते अब हम पहुंच गए हैं लखनऊ। लखनऊ पहुंचने का टाइम है इसका 9:20 का, रात की 9:20, 10 मिनट का यहाँ पे इसका हॉल्ट है, यानी कि 9:30 पे यहाँ से डिपार्ट करती है ट्रेन, अब लेट होने लगी है। ये लीजिए हमारे ट्रेन का भी सिग्नल हो गया है रेड से येलो, तो अब चलना चाहिए ट्रेन के अंदर। ट्रेन में चढ़ते उतरते हमेशा सावधानी रखनी चाहिए, चलती ट्रेन से ना उतरना चाहिए ना उसमें चढ़ना चाहिए, क्योंकि कई बार पैर स्लिप होने के बाद दुर्घटना होने के चांस रहते हैं, तो ये सावधानी हमेशा रखें। बाकी रेलवे स्टेशन की तरह चमचमाता हुआ ये लखनऊ का रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हमारी ये ट्रेन आई थी। ट्रेन जो है लेट है, सफाई जोरों से चल रही है प्लेटफॉर्म पे। अगर आप लखनऊ से हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए कि लखनऊ रेलवे स्टेशन का एक दूसरा नाम और है जो कि कॉमनली वहाँ पर बोला जाता है, तो क्या नाम है लखनऊ जंक्शन का, कमेंट करके बताएं। और ये जो बेचारे मतलब ठंड में जो इन प्लेटफॉर्म पे बैठे रहते हैं ना, इनको देख के मुझे तो बड़ी दया सी आती है कि बेचारे इतने मतलब परेशान रहते हैं, कहाँ कहाँ जाना होता है, खास करके सर्दी के दिनों में, और सर्दियाँ पड़ रही होती हैं और वेटिंग रूम एकदम फुल हो जाते हैं। जो फ्री वाले वेटिंग रूम हैं उनकी हालत तो हमेशा से ही ख़राब रही है रेलवे में। पेड वालों की हालत ठीक होती है पर पेड हर कोई अफोर्ड कर नहीं पाता, ये लोग देखिए बेचारे प्लेटफॉर्म पर सो रहे हैं, किसी को कहीं जाना होगा, कोई कहीं से आ रहा होगा, सर्दियों में काफ़ी देर मतलब दिक्कत हो जाती है। ट्रेन जो है हमारी तकरीबन 1 घंटा लेट हो चुकी है, 1 घंटा लेट हो गई है।
लगता है चैन पुलिंग हो गई क्या? चलते चलते दम स्पीड कम हो गई ट्रेन की। लखनऊ में थोड़ा यहाँ पे फॉग है, वैसे भी खैर रात के 10:30 हो रहे हैं, फॉग तो खैर मिलेगा आगे रास्ते में। और ट्रेन काफ़ी लेट हो गई है, लगभग 1 घंटे से ऊपर लेट हो गई है ट्रेन। मुरादाबाद तक तो एकदम बिफोर टाइम थी, मुरादाबाद के फिर बस बाद ये धीरे धीरे लेट होने लग गई है ट्रेन। ये देखिए कैसे धुंध उड़ रही है, बाहर काफ़ी ठंडा है, टेम्परेचर हो रहा है 10 डिग्री सेल्सियस। मेरी भी नाक और गला धीरे धीरे बैठने लगा ठंड की वजह से, तो बेटर है कि मैं अंदर चलूँ। काफ़ी लंबा प्लेटफॉर्म है ये, लीजिए लखनऊ को भी टाटा बाय बाय। सफ़र आगे बढ़ रहा है, डिले है 1 घंटा पर मज़ा आ रहा है। तो ट्रेन को चले हुए लगभग 8.5 घंटे हो गए, रात हो गई है, इसको कर देते हैं बंद। और मैं आपको दिखाता हूँ अभी मेरे कोच का सफाई का हाल कि इस टाइम लगभग 8.5 घंटे चलने के बाद ट्रेन के अंदर की क्या हालत है। ये थोड़ा सा यात्रियों को भी सोचना चाहिए, वो वहीं खाते हैं और वहीं चीज़ों को पटक देते हैं, अटेंडेंट भी बेचारा कहाँ तक सफाई करते हैं। अरे बाद में बताएंगे। ये जी पंकज जी हमारे शो गए हैं, खर्राटे मार रहे हैं। ये हरदोई जंक्शन है, हरदोई स्टेशन है, और यहाँ पे ट्रेन को थोड़ा सा इन लोगों ने स्लो कर लिया, हालांकि यहाँ पे स्टॉपेज नहीं है, तो हरदोई को बस क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। काफ़ी लेट हो गया ट्रेन, तकरीबन 1.5 घंटे लेट हो गई है। और अब मैं भी चलता हूँ, जाता हूँ, सोता हूँ, कल सुबह मिलते हैं और देखते हैं ट्रेन कितनी लेट हो रही है, या बिफोर हो गया, या रात में इसने ट्रेन ने पिकअप कर लिया है। और इस वक्त है हम श्रमजीवी एक्सप्रेस में और जा रहे हैं गाजियाबाद से पटना। तो अभी हमारी जो ट्रेन है 15 मिनट लेट चल रही है और सुबह का वक्त हो रहा है 5:45। डबराऊ से भिया के बीच में इस वक्त हमारी ट्रेन है और अभी मैं आपको दिखाऊँ ट्रेन की सफाई का। तो इस वक्त हूँ मैं 2nd AC के कोच में, मैं आपको 2nd AC और 3rd AC के बीच का जो डिफरेंस है सफाई का वो दिखाता हूँ। तो पहले देखिए आप 2nd AC का। तो ये डोर के पास वाला एरिया जो बाथरूम वाला एरिया होता है, अब 2nd AC का है, तो देखिए यहाँ पे थोड़ी सफाई आपको ठीक मिलेगी। अभी हम पूरा एक डब्बा क्रॉस करते हैं। जब आप 2nd AC में सफ़र करते हैं तो आपको मालूम चल जाएगा कि क्या स्टैंडर्ड होता है, 3rd AC का क्या स्टैंडर्ड होता है। सफाई है यहाँ पे 2nd AC में। अभी बस 2nd AC का एक डब्बा हमने क्रॉस किया, ये देखिए सब साफ है, धमकी यहाँ पे फैली हुई नहीं है, टाइम टाइम पे इसको साफ करते हैं। अब हम एंटर कर रहे हैं 3rd AC। अब आपको खुद दिखेगा फर्क, तो ये 3rd AC का डब्बा आ गया। जगह जगह वही खाने पीने के सामान के पैकेट पड़े हुए हैं, बिस्किट के पैकेट पड़े हुए हैं, चाय के कप पड़े हुए हैं, एक अजीब सी स्मेल आ रही है, रूम फ्रेशनर यहाँ पे स्प्रे नहीं करते हैं। ये आ गया है 3rd AC, तो आप 3rd AC में देखिए, ये देखिए चार तरफ कचरा पीने का सामान फैला हुआ है। आपका आप क्रॉस कर रहा हूँ, ये जो मेरा वाला बोगी है, लाइट सब उन्हें ऑफ कर रखी है, वो नाइट लैंप ऑन है, तो हो सकता है आपको इतना क्लियर कैमरे में दिखेगा नहीं, बट इसकी भी हालत वही है, गंदा है। हाल की रात को मैंने अटेंडेंट को बोल दिया था कि एक बार साफ़ कर देना, क्योंकि स्मेल आती है। लोग बाग सबसे ज़्यादा गंदा करते हैं, जो पैसेंजर होते हैं वो एकदम पड़ा देते हैं।
वहीं खाते हैं, वहीं पकते हैं। बाहर निकल के यहाँ डस्टबिन लगे होते हैं, उन तक नहीं पहुँचते। तो थर्ड एसी कंपेयर सेकंड एसी में थोड़ी सी सफाई ज़्यादा ठीक है। थर्ड एसी में काफ़ी जगह कचरा वचरा सब जगह फैला हुआ है, जो टॉयलेट वाला एरिया है वो पूरा गंदा है, टॉयलेट भी थोड़े से गंदे ही हैं, तो बस ये थोड़ा सा फ़र्क है। अदरवाइज़ मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि शायद रेलवे भी खुद ही चाहता है कि थर्ड एसी थोड़ा सा डाउन रहे सेकंड एसी से, सफाई के मामले में, हीटिंग के मामले में, कूलिंग के मामले में। और आपका क्या सोच रहा है, आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। गुड मॉर्निंग, हम एंटर कर चुके हैं बिहार में। बिहार में तगड़ा है फॉग, बतिया आ गया है, बतिया स्टेशन। टाइम है सुबह का 6:30 का यहाँ पे पहुँचने का, यानी कि 6:21 पे यहाँ पे पहुँचती है ट्रेन। लेट है, हल्की रात से थोड़ा सा कवर कर लिया, तो बतिया को हमने अब यहाँ से निकलते हैं। उसके बाद आएगा दानापुर, पटना अब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। फॉग अच्छा खासा है, ठंड बहुत अच्छी है। अपने निर्धारित समय से तकरीबन 15 मिनट लेट चलते हुए ये पहुंच चुकी है दानापुर, और पूरा फॉग है इस टाइम। तो ये लीजिए, दानापुर को भी हमने क्रॉस किया, ट्रेन ने रात को थोड़ा सा कवर कर लिया। दानापुर से आएगा बाद में फुलवारी शरीफ और फिर पटना जंक्शन। तो यानी कि कुल मिला के सफ़र हमारा अच्छा चल रहा है। ट्रेन ने जितना रात को जितना लेट थी उतना उसने रात भर में कवर कर लिया। ये दानापुर जंक्शन, दानापुर सिटी आप देख रहे हैं। बिहार घूमने का हमारा प्रोग्राम है, नए साल में हम कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या क्या चीज़ देखेंगे, वो सब आपको आगे बताते रहेंगे। पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लो यार टॉवल, ये लो टॉवल ले लो। और तुमने रात को साफ नहीं किया कुछ? साफ नहीं किया तुमने रात को कुछ? रात में क्या हुआ सर? हाँ, सब लाइट जला के सो गए। अच्छा, अब हम अगर आते तो बोलते चोरी करने है। अच्छी स्टोरी सुना रहे तुम, मतलब झाड़ू लगाई नहीं तुमने, गंदा का गंदा घोष था पूरा का पूरा। यही लेकिन नहीं कुछ नहीं, सब आए ना लाइट बुझा के सो गया था। अगर हम आते कि नहीं तो सुतल में आते तो अच्छा नहीं लगता, कहते कुछ भी चोरी होता तो बंदा हमको होगा। सही है। तो लीजिए फाइनली पहुंच गए हम पटना जंक्शन। कल चले थे हम गाजियाबाद से, ट्रेन का टाइम यहाँ पहुंचने का है 7:05 का, पर ट्रेन हमारी लेट है तकरीबन आधा घंटा। अब हम जाएंगे होटल ढूंढेंगे और फिर घूमेंगे हम सबसे पहले पटना। उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप ये बताइए ये जगह पटना ही कौन सी है, कमेंट करके जरूर बताएँ कि ये जगह क्या नाम क्या है, पटना में ये कहाँ है।